आज एक पौधे की और केयर कर लेते हैं भाई इतने महंगे महंगे पौधे खरीद कर लाते हैं अगर हम कटिंग से उगाते भी हैं तो फिर कोई कम केयर में तो वो उग नहीं जाते कटिंग लगाना आसान थोड़ी होता है फिर बड़ी मुश्किल से प्रांट्स बनते हैं तो अगर हम केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके हमारे गार्डन से ख़त्म होते जाएंगे और हम और लाते जाएंगे बस लाने के चक्कर में ये होगा कि कुछ दिन में थक हार कर बैठ जाएंगे क्योंकि बड़ा खर्चा है अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली और आप सबका वेलकम करती हूँ प्यारे प्यारे से मेक्सिकन पिटूनिया की पिंक रंग के साथ और जिस पौधे को ट्रीट करेंगे वो होगा हमारा मिनी चांदनी चांदनी का ये प्लांट जो कि परमानेंट प्लांट होता है और आजकल इसका ना ग्रोइंग टाइम है और इसमें फ्लॉरिंग टाइम है पर इसमें फूल नहीं आ रहे हैं अब फूलों वाला पौधा हो और वो फूल ना दे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना ये तो वैसे भी ड्वार्फ वैरायटी है और इसको ना एक बोनजाई की तरह रखिए कोई भी लुक या शेप दे सकते हैं इस प्लांट को जैसे कि आप एक ट्री का शेप देना चाहें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ये मिनी चाँदनी की और इसको वेल्डन सॉइल देना होता है क्योंकि ज़्यादा पानी अगर आपने इसको दे दिया तो भी ख़राब हो जाता है बहुत कम पानी में चलता है और थोड़ा सा नमी तो हर प्लांट को चाहिए यही प्लांट क्या बिल्कुल सूखी मिट्टी में थोड़ी रह पाएगा और जब ये अपनी खूबसूरती पर होता है यानी कि जब भरा हुआ पत्तियों से तो बहुत अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रोनिंग करते रहना चाहिए तो न्यू न्यू शूट्स आते रहते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है इस टाइम ये इसलिए ख़राब हो गया फ्रेंड्स क्योंकि ये जब विंटर्स की शुरुआत होती है जैसे कि नवंबर दिसंबर तो इसमें बहुत अच्छे से फूल आते रहते हैं पर बहुत ज़्यादा सर्दी जैसे ही शुरू होती है वैसे ही इसकी फ्लारिंग कम हो जाती है और धीरे धीरे पत्ते भी गलने लगते हैं फॉग या कोहरे के असर में आके यानी कि वो उसका रेस्टिंग टाइम होता है आराम कर रहा होता है तो मैंने इस प्लांट को उठाकर शेड में रख दिया था लेकिन इस टाइम तो ये बिल्कुल शेड में रहने वाला नहीं है इसको फुल डे की सनलाइट चाहिए अब इसको धूप नहीं मिली मैंने एक महीने पहले थोड़ी सी खाद दे दी थी और निकाल कर हल्की धूप में रखा था बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखा था और खाद भी दे दी थी एक एक महीने पर इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और फुल सन लाइट की ज़रूरत होती है तो आप इसमें गोबर खाद खूब सड़ी गली बढ़िया सी काली सी वो खाद दीजिए नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और फिर उसको बदल बदल कर आप इसमें खाद डाला कीजिए एक सी खाद हमेशा मत दीजिए अभी मैं एक महीने के बाद देखिए पिछली बार मैंने इसमें गोट मैन्योर ऐड किया था अभी मैं लेकर आई हूँ काउडॉम कंपोस्ट और ये देखिए कितना बढ़िया भुर भूरा है एकदम ये पानी को नमी तो बनाए रखेगा लेकिन बिल्कुल गीली मिट्टी नहीं बनाएगा अच्छी खाद है ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है और साथ में न्यूट्रन से भरपूर ये छिलके यानी कि धान की भूसी ये मॉइस्चर को अभी मेंटेन करेगा और फिर पोटाश से रिच ये राख कार्बन का सोर्स है और फिसाइड भी है तो मिट्टी में हम थोड़ी सी मिला देते हैं यानी कि एक बारह इंच का गमला है तो एक से डेढ़ चम्मच करीब आप राख मिला दीजिए और मिट्टी में गुड़ाई करते रहा करिए हर पंद्रह दिन में जब गुड़ाई हम करते हैं तो जिससे कि पुरानी सड़ी गली सी जो उसमें जड़ें होती हैं वो निकल जाती हैं टूट जाती हैं मतलब और मेन जड़ से थोड़ा सा हट के ही गुड़ाई कीजिए मैंने औज़ार भी ऐसा लिया जिससे कि ज़्यादा डैमेज ना हो और फिर इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और उस पर रख देंगे थोड़ी सी गुड़ाई तो हमने कर ही दी है अगर खाद देने का टाइम आपको चुनना है तो सुबह का टाइम या शाम का टाइम क्योंकि दोपहर के टाइम में धूप में अपना भोजन यानी खाना बना रहे होते हैं फूड बना रहे होते हैं और उस टाइम में अगर आप खाद देंगे तो गर्म खादें होती हैं ये नुकसान कर जाती है तो सुबह में दीजिए और फिर मिक्स कर दीजिए बढ़िया से पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा शेड में रख दीजिए एक दो दिन या फिर पानी भर दीजिए शाम तक ठंडक रहेगी फिर शाम हो जाएगी रात के बाद ये अच्छे से सेट से हो जाएगी खाद एक दो दिन बाद इसकी हल्की हल्की सी मैं ट्रिमिंग कर दूंगी जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं और फिर इसको मैं बढ़िया से फ्लारिंग स्टेप पर आ जाएगा तो दोबारा से शूट करूंगी अगर आ जाता है तो फिर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह आ जाएगा और अगर आपका पौधा फ्लारिंग नहीं कर रहा है तो ये काम करके देखिए इंशाल्लाह करेगा और फिर मिलते हैं अच्छे से अपडेट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़